चार खास मेहमान हमारे साथ जो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले एमएलसी हैं बीजेपी के धर्मेंद्र राय, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह है, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। मनोज यादव काका जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राघवेंद्र द्विवेदी जी प्रवक्ता एसबीएसबी के, राजभर साहब की पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। अरे बड़ा दिल दिखाइए किसी भी पार्टी का और ताली बजाइए, काशी इसी के लिए तो जानी जाती है। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव किए बिना यहाँ पर किसी बात की शुरुआत होती नहीं है, और इसीलिए शुभारंभ उसके साथ हुआ है। लेकिन इससे पहले कि काशी की जनता सवाल दागे इन नेताओं के सामने, आइए आपको दिखा देते हैं अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि आज हम अलग अलग तीन जगहों पर गए हैं, जिसमें भदोही में क्या हुआ, अलग अलग जगहों पर जनता ने क्या क्या मुद्दे आज उठाए हैं। इसी उत्तर प्रदेश की तीन अन्य सीटों से मेरी ग्राउंड रिपोर्ट की एक झलक देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को कवर करते हुए अब हम पहुंच गए हैं सुल्तानपुर। इस समय बीजेपी में और इस जनपद में मेनका गांधी जैसा कोई सांसद ना हुआ है ना हो पाए। यहाँ पे जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। सब पूरी जनता का यही है कि बीजेपी को देंगे जो हमारा भला चाह रही है, खासकर तो महिलाओं का। सुल्तानपुर में तो बीजेपी ही आएगी। मतदान केवल प्रभु श्री राम के चरणों में होगा, जय श्री राम। यही है कि नौकरी बेरोजगारी बहुत खराब है यहाँ की। जाति धर्म से ऊपर हर जाति का काम किया है उन्होंने। मोदी ही जीतेंगे। बेरोजगारी देख लीजिए चरम पे है। चौदह प्रदेशों में विपक्षियों की सरकार है, क्या वहाँ महंगाई कम हुई? नल लगा दिया, पानी नहीं आ रहा है। क्यों मोदी मोदी बस अच्छे लगते हैं? मोदी वही योगी बाबा, मोदी बाबा, हर हर मोदी है, घर घर मोदी, मोदी जिंदाबाद। और अब यहाँ से हम लोग आगे उत्तर प्रदेश की अगली सीट के लिए रवाना हो रहे हैं। जिसे काली नगरी भी कहा जाता है। अब हम पहुंच गए हैं भदोही में। इतनी खूबसूरत ये कालीनें जो देश विदेश में पहुंचती हैं। काम ठीक चल रहा है मैम? सरकार काम तो अच्छा चल रहा है। पीछे सरकार में रहती थी सब्सिडी, आज वो नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अप्रतिम प्रधानमंत्री के रूप में हैं। सपा ने कालीन एक्सपोर्ट मार्ट बनाया है, उसके अलावा आज तक बीजेपी सरकार ने कभी कुछ करने का काम ही नहीं किया है। हम लोग सोचते हैं कि नौकरी हम लोग को मिलेगा, अच्छा हम लोग कमाएंगे। हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे मोदी जी ही आए। बाहरी बनाम भीतर की लड़ाई में एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने जा रहा है। यहाँ के युवा भागने के लिए मजबूर हो गए। यही गवर्नमेंट अपने लिए प्रेफरेबल है। अभी जो देखा जाए चीनी मिल बंद है। नरेंद्र मोदी ने चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों को बर्खास्त नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत काम किया है। वो रोजगार के लिए पकौड़ा तले। किसानों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ से रवाना होंगे मिर्जापुर के लिए, और फिर मिर्जापुर की जनता क्या कह रही है उनसे बात। अनुप्रिया पटेल ही जीतेंगी जी। अनुप्रिया पटेल जी के तो कार्य हैं इतने अनगिनत है कि हम उनको बखान नहीं कर सकते। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ही चुनाव जीतेंगे। 10 सालों में जो अनुप्रिया पटेल ने काम किया है जिले के लिए हमारे, मैं उन्हीं को वोट करूंगा। एक हमारे गांव का काम है, अभी तक उनसे कोई पीरियड में हुआ नहीं। अनुप्रिया ने काम किया है, कोई सांसद जैसे हम जानने लायक है, कोई सांसद काम किया ही नहीं। पीतल या कालीन व्यवसाय है वो जीरो पे है। ऐतिहासिक कजरी है मिर्जापुर का, उसी प्रकार से आज अनुप्रिया मिर्जापुर की शान बन चुकी है। ये देश पुरुष प्रधान ही नहीं है, महिला के रूप में देवी प्रधान कहा जाता है। मोदी सरकार ने जो काम किया हो आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया आ जाए तो लाखों से हार के जाएंगे यहाँ पर। आज मिर्जापुर 2050 में जी रहा है। मिर्जापुर में अब हम आ गए हैं माँ विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में, और अगर आप देखेंगे सभी दुकानों को, जैसे अयोध्या की तर्ज पर ये वाला हिस्सा दिखाई, ये ऐसे ही एक रंग में सबको आगे रंगा गया है। दोनों तरफ का ये पूरा कॉरिडोर इस तरह से अंत तक सजाया गया है। बहुत पर्यटन लोग का बहुत बढ़ावा हुआ है विंध्याचल में।
फायदे है सब, यहाँ नया जब रोड बन गया है एकदम सुख। एक साल पहले आए थे यहाँ पे, मैं देख के आगे चमक गई। योगी जी काम सबसे अच्छा करा रहे हैं विंध्याचल में। ये कॉरिडोर बनने से फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है हमारे हिसाब से, बीजेपी पूर्व बहुमत से 400 पार रह रहे इस बार। ये योगी जी ने यहाँ के लिए बहुत सब कुछ किया है। यहाँ पे भक्तों का आना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा परिवर्तन, मुंडन कराने में, जनेऊ कराने में, पूजा पाठ कराने में, जब से कॉरिडोर बना हर एक चीज सुविधा। यहाँ से आपको सीधे लिए चलते हैं अगले सफर पर। अब हमारे अगली जो जगह है, जो पड़ाव होगा, वो है काशी।